हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्रीकल्चर के विषय में जानकारी देंगे। हमारी जो एग्रीकल्चर होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे एक हो गया एगर और दूसरा हो गया कल्चरा। ये दोनों हमारे जो हैं लैटिन वर्ड से मिलकर बने हैं। अच्छा, देखो एगर्स का जो मीन्स होता है या अर्थ होता है सॉइल, और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। जैसा कि हमने बताया, एग्रीकल्चर का यदि बीच में दो पार्ट करें तो एगर्स प्लस कल्टरा के, और यह लैटिन शब्द से बनकर बना है। और एग्रीकल्चर जिन शब्दों के अंत में कृषि में या कहीं भी आपको पीछे कल्चर लगे, तो ये आप एकदम समझ लीजिए कि वो जो है हमारे लैटिन वर्ड्स हैं। और जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगे वो समझ लीजिए कि आप लोग ग्रीक शब्द हैं। क्लियर, ये बात आप लोग को समझ लीजिए। ये एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं अपवाद के रूप में, लेकिन मैक्सिमम यही होते हैं। पहले अब हम आ जाते हैं बच्चों की एग्रीकल्चर की डिफिनीशन क्या होती है। हमको सबसे जैसे डिफिनीशन, यदि हम आपके मीनिंग से चलें तो मीनिंग को लेकर चलें एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन, तो इसमें जो है अपने फील्ड में सॉइल के ऊपर जो है हम जो है क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, इसी को आप एग्रीकल्चर समझ लीजिए। ये बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जैसे ये हो जाए, जैसे डिफिनीशन चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग एंड मेथड दैट आर यूज टू रेज क्रॉप्स एंड एनिमल। जैसे कि हम खेती करते हैं तो खेती के साथ साथ जो है हम जो है पशुपालन को भी, एनिमल हस्बेंड्री को या लाइव स्टॉक को जो हम साथ में प्रयोग करते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एग्रीकल्चर से हमारा जानवर जीवित रहते हैं, और जानवरों से हमारी सॉइल जो है फर्टाइल रहती है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को मिलाकर हम एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि में तो हम केवल क्रॉप बोते हैं, और ये क्रॉप जो है हमारे जो इसके जो अवशेष हैं या भूसे हैं वो हमारे जानवर खाते हैं, और जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो है, या पौधों के अवशेष होते हैं, उसको हम FYM के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ये तो एनिमल हमारे, ये तो परिभाषा सॉरी हमारे यहाँ की थी। अब हम एग्रीकल्चर इन अमेरिकन इंग्लिश, जो अमेरिका की एग्रोनॉमी की एग्रीकल्चर की सोसाइटी थी, उसने एक अपनी परिभाषा दी जो निम्न प्रकार से है। साइंस इज ए आर्ट ऑफ फार्मिंग वर्क और ए बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन सॉइल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स और ए रेजिंग लाइव स्टॉक। इसमें केवल जो है इन्होंने बिजनेस शब्द का प्रयोग किया, बाकी तो परिभाषा यही है। देखिए, इन्होंने साइंस एंड आर्ट शब्द का प्रयोग किया है। पहले आप समझिए कि साइंस और आर्ट, साइंस में साइंस जो हमारा एग्रीकल्चर है, आर्ट्स और साइंस किस तरह जुड़ा है। जैसे आर्ट्स को लें, जो हम जो है क्रॉप ज्योमेट्री जो करते हैं, क्रॉप ज्योमेट्री जो फसलों को बोते हैं, अपने खेत को कितने सुंदर ढंग से बोते हैं, उसको हम क्रॉप ज्योमेट्री कह देते हैं। और साइंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू साइंस जो है हमारी कृषि की जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो सब हमारे साइंस के विज्ञान के रूप में आती है। ये अब आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन फादर ऑफ द एग्रीकल्चर हुआ। तो हमारे फादर ऑफ एग्रीकल्चर में जो विश्व का यदि हम लें, पूरे वर्ल्ड का यदि लें, तो हमारे जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर हैं नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग हैं, नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हीं के द्वारा जो है विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जिससे कि हर साल जितने हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटियां व हाइब्रिड वैरायटियों का इन्होंने
समावेश किया, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटियां करके इन्होंने, और ये मेक्सिको के एग्रोनॉमिस्ट थे, रहने वाले अमेरिका थे लेकिन मेक्सिको में इन्होंने अपना काम किया। अच्छा, इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है केवल हमारे एग्रीकल्चर में योगदान के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1970 में। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि हम पूछते हैं कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन हुआ, फादर ऑफ एग्रीकल्चर में पूछने जब पूछा जाएगा फादर ऑफ एग्रीकल्चर, ये याद रखिएगा, तो इसमें इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर में एन.ई. बोरलॉग को आप नाम देंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, फिर आ जाएगा कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला, इनको नोबेल प्राइज, स्टूडेंट्स आप ये ध्यान लीजिए कि 1970 में मिला, और इस पे किस पे दिया गया, तो ये पीस नोबेल पीस प्राइज दिया गया, क्योंकि फूड और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा, मतलब कोई भी खेती के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, खेती के लिए पुरस्कार केवल हमारा विश्व खाद्य पुरस्कार मिलता है। अच्छा, अब आ जाइए फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब हम भारत में जो है हमारे जो है कृषि के कौन जनक रहे हैं, हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा, हम जब आजाद हुए तब हमारे पास इतने अपने भरपेट भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी, तब हमारे यहाँ जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और इन्होंने एम एस स्वामीनाथन को ये कार्य सौंपा कि आप जो है हमारी खाद्य समस्याओं का वैज्ञानिक तौर से निदान करें। तब हमारे जो है इन्होंने जो है हाई गेहूं की प्रजातियों पर हाई यील्डिंग वैरायटियों की जो है मेक्सिको से 614 लाइंस मंगाई, जिससे हमारे आज गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, और ये हाई यील्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो इसीलिए हमको एम एस स्वामीनाथन साहब को आज हम कहते हैं भारत में कृषि के जनक हैं। क्लियर है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये आज एम एस स्वामीनाथन साहब आज भी जो है टिकाऊ खेती के विषय पे तथा कार्बनिक खेती के विषय पर अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए अब ये प्रश्न आता है कि कृषि का आविष्कार किसने किया। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि इतना तो हमने कृषि पढ़ लिया कि हमारे कृषि का आविष्कार किसने किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार ये आ जाएगा 2500 BC में इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन हुआ उसमें हमने जो है कृषि का आविष्कार किया। जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो है हंटिंग एज थी, लोग जो है जानवरों को मार के खाते थे, तरह तरह का जीवन व्यतीत करते थे, पत्थरों से आग लगाए नंगे रहते थे, लेकिन फिर हमारे जो है वाइल्ड स्पीसीज को इन्होंने देखा, और वाइल्ड स्पीसीज अर्थात जंगली प्रजातियों से आज भी जितनी प्रजातियां बनी हैं, इसको आप जान जाइए कि ये जो है हमारी जितनी भी कल्टीवेटेड वैरायटियां हुई हैं वो सब जंगली प्रजातियों से ही हमारा है। इसी को हम लोग जहां जिस देश में अधिक जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर जिसकी ओरिजिन मानी जाती है, ये माना जाता है कि वहां पर उसकी मुख्य रूप से जंगली प्रजातियां ज्यादा रही होंगी। अब आ जाते हैं हम लोग की ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग कृषि में कि कौन कौन सी शाखाओं का अनुभव किया जाता है, मतलब किसको किसी कृषि विभाग की कौन कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में हम कृषि सस्य विज्ञान में हम जो है कृषि का जो है फसलों का उत्पादन तथा
वैज्ञानिक तरह से खेती का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके विषय में हम एक बाद में बड़ा आपको दूसरा लेक्चर देंगे, वीडियो देंगे। अच्छा, अब आ जाइए हॉर्टिकल्चर। अब हमारा हॉर्टिकल्चर जो है एग्रोनॉमी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है हॉर्टिकल्चर। इसमें तो सब अनाज दालें तिलहन दलहन आदि चारे का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, संक्षेप में। अब ये आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है औद्यानिक फसलों का खेती करना। औद्यानिक फसलों में आम जितने भी फल होते हैं, आम अमरूद केला, इसमें ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट फलों का हम अध्ययन करते हैं। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की हमारे पास तीन ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच में हम पोमोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो है फसलों के खेती का अध्ययन करते हैं। दूसरी हो गया ओर्लिकल्चर। ओर्लिकल्चर में जो है हम जितनी हमारी सब्जियां हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा शब्द हो जाएगा और फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम जो है, आप बच्चों आप समझ लो कि स्टूडेंट्स की जितने भी फूलों का अध्ययन होता है, ये सब हम जो है फ्लोरिकल्चर में करते हैं। अच्छा, अब आता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अनुवांशिकता का अध्ययन हम इसमें जेनेटिक्स में करते हैं तथा नई नई प्रजातियों का किस तरह क्रॉप इम्प्रूवमेंट करके हम जो है नई प्रजातियां बनाते हैं, किस किस ढंग से बनाते हैं और किस किस, जैसे कि हमको जो है फ्लड रेसिस्टेंट बनानी है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनानी है, हमको जो है सबसे पहला हमारा रहता है हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई जाए, और सब उसके बाद रहता है कि हमारी उसकी जो है कुकिंग क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। ये सब बच्चों हम लोग जो है क्रॉप, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग में आता है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का इसका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इसी की देन है कि आज हम खाने के मामले में आत्मनिर्भर हैं, भोजन में आज हम विदेशों में भोजन निर्यात करने की स्थिति में हैं। अच्छा, और नहीं, पहले जो है हम लोग आयात करते थे, बाहर से आगे कटोरा फैलाना पड़ता था हाथ के, हमारे यहाँ खाना नहीं है, हमको भोजन दे दीजिए। सीड साइंस, अब आ जाइए सीड साइंस। देखिए, हमारी खेती में सीड्स का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि सीड्स, यदि हमारा सीड्स अच्छा मिलेगा तो हम जो है अपना 20-25% यील्ड हमारी ऑटोमेटिकली केवल सीड से बन जाएगी। अच्छा, सीड के विषय में हम आपको कई बाद में बताएंगे। सीड जो है, वैसे संक्षेप में आप जान लीजिए, सीड हमारे पास जो है सबसे पहले न्यूक्लियर सीड होता है, जिसे केंद्रक सीड, केंद्रक बीज कहते हैं, उसके बाद प्रजनक बीज होता है, उसके बाद हमारा आधारीय बीज होता है, और उसके बाद हमारा जो है, बच्चों आप ये जान जाइयो कि जो हम किसानों को दिया जाता है, वो किसानों को जो हम बीज देते हैं वो सर्टिफाइड सीड्स कहलाता है। ठीक है, यस। अब इंटोमोलॉजी, अब देखिए, सब चीज करने के बाद हमारी खेतों में जो भी इंसेक्ट व पेस्ट लगते हैं, इंसेक्ट उन्हें कहते हैं जो कीड़े हमारे खेतों में लगते हैं। कीड़े दो प्रकार के होते हैं, जो हानिकारक कीड़े होते हैं और लाभदायक कीड़े होते हैं। हानिकारक कीटों को मतलब कीट जो है दो तरह के, कीट हमारा डैमेज भी करेगा, नुकसान भी करेगा, लेकिन इंसेक्ट जो होता है जिसे कीट कहते हैं, इसमें 3-4 कीट ऐसे होते हैं जो कि हमको जो है लाभदायक की श्रेणी में आते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है मधुमक्खी हो गई, हमारा जो है लाख का कीड़ा हो गया, हमारा रेशम का कीड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा, जैसे लाख का कीड़े के अध्ययन को हम जो है लेसिकल्चर कहते हैं, और रेशम के कीड़े को हम जो है, रेशम कीड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, जो कि हमारे यहाँ रेशमी कपड़ा बनाना तथा अन्य प्रकार का जो है ये रेशम उद्योग में आता है, तो ये इसके कोकून से रेशम से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट में क्या अंतर क्या होता है? इंसेक्ट जो है हमेशा
हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी होते हैं, लेकिन जो पेस्ट होता है ये हमारा हमेशा हानिकारक ही होता है, इस बात को आप जान कर लीजिए। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आ गया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हमको जो है अपने आवश्यकता अनुसार गाय भैंस तथा बकरी घोड़ा गधा सबका जो पालन होता है वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में होता है, जिससे हमको जो है हमारा जो है मिल्क इंडस्ट्री दूध हमको मिलता है, दूध के अन्य प्रकार के पदार्थ मिलते हैं तथा हमारे जूते आदि चप्पल जो है इनकी छालों से इनकी जो स्किन होती है त्वचा होती है उससे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। अब आ जाता है फिर आती है नई हमारी शाखा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम पौधे के किसी भी टिश्यू से अर्थात उसके ऊतक को संवर्धन करके हम जो है एक नया पौधा का जर्मिनेट कर सकते हैं, ये प्रयोगशाला में किया जा सकता है। जैसे प्रयोगशाला में आप यदि आज आपके पास डिमांड आ गई कि हमको जो है किसी भी वैरायटी के 10,000 पौधे चाहिए, तो कोई भी नर्सरी आपको 10,000 पौधे सप्लाई करने की उपस्थिति में नहीं रहती है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं उसके टिश्यू से हम इतने पौधों को आसानी से जर्मिनेट करके उनको विद इन 6 मंथ दे सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमको जो है जितने भी हमारे पौधों में जैविक रासायनिक क्रिया होती है उनका अध्ययन किया जाता है। अब आ जाइए हम लोग कृषि इंजीनियरिंग में। कृषि इंजीनियरिंग में पहले हमारी खेती जो है हमारे बैलों पे आधारित थी, विदेशों में घोड़ों से खेती की जाती थी, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमने हर काम जो है हमारे अब कृषि यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे बीज बोने के लिए यंत्र आ गया, खेत जुताई के लिए यंत्र आ गया और जो है खेत तैयार करने के लिए यंत्र आ गया और तरह तरह के हमारे स्प्रेयर वगैरह जो है ये सब कृषि यंत्रों में आते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब आती है हमारा कृषि इकोनॉमिक्स में हम जो है अपने साथ साथ अपने किसानों के पूरे संवर्ग का उत्थान की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो है हम जो है प्रोटीन के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करते हैं तथा वसा के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उसमें पाए जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको अध्ययन किया जाता है। अब आ जाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। हमारे एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही महत्व है, चाहे हमारा जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो, यदि हम दूध से दही जमाना चाहें तो वो हमको जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे दूध को खराब करने वाले भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तथा हमारे जमीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हमारी सॉइल में जैसे हमने सपोज किया कि FYM या गोबर की खाद हमने देखो फैला दी गई, जो गोबर की खाद फैला दी गई तो उसको जो है उससे जो पोषक तत्व हैं हमारे खेत में पौधों को केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उपलब्ध कराते हैं और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है भोजन का काम हमारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो मिलते हैं वही देते हैं। ठीक है, अब होम साइंस। अब इसी में इस कृषि में भी होम साइंस की शाखा होती है। होम साइंस का मतलब कि हम अपना न्यूट्रिशन वैल्यू अपने भोजन का न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह बढ़ाएं, इस तरह की जो है कि बच्चों के लिए क्या हो, गर्भवती महिला के लिए क्या राशन हो, बुजुर्गों के लिए राशन क्या हो, बच्चों के लिए किस प्रकार की राशन हो, इस प्रकार की अध्ययन जो है हम अपने गृह विज्ञान की शाखा के अंतर करते हैं। अब एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि बच्चों देखो एग्रीकल्चर का मीन्स हो गया एगर और कल्चरा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो हैं
इसकी मीनिंग हो गई सॉइल और इसका हो गया कल्टीवेशन, अर्थात हम जो है जब खेत में कल्टीवेशन करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब आ जाइए डिफिनीशन पे, एक बार हम इसका समराइज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग एंड मेथड दैट आर यूज टू द रेज क्रॉप एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की अमेरिकन सोसाइटी की क्या परिभाषा रही है, द साइंस ऑफ साइंस एंड द आर्ट ऑफ द फार्मिंग वर्क आर ए बिजनेस ऑफ द कल्टीवेशन सॉइल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स रेयरिंग द लाइव स्टॉक। जैसा कि आप लोग लाइव स्टॉक समझते हैं कि हमारे जो है एनिमल हस्बेंड्री या जो जो पशु हम पालते हैं उनको हम जो है कहते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रीकल्चर नॉर्मन ये एन ई बोरलॉग को कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को और देहांत 12 सितंबर 1909 को हुआ था। अच्छा, इनको पीस में शांति पुरस्कार 1970 में मिला था। फादर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एग्रीकल्चर डिस्कवरी। एग्रीकल्चर में हमारा खेती का कहां से आविष्कार हुआ, यानी पहले तो हम शिकारी युग में थे, फिर जो है हमारे जो है पूर्वजों ने पेड़ पौधे की पत्ती बीज आदि खाकर जीवन अपना यापन किया, उसी से हमारी जो है कृषि का, और इसका प्रमाण हमको मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। और मोहन जोदड़ो की खुदाई में भी उनके जो बर्तन मिले हैं उसमें सॉरी अनाजों के बीज हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं। इसमें बच्चों जो ये चीज आपको ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। अब बाकी सब जो है ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।